Oh, pakar, pakar. Hey guys, welcome to my new vlog. अभी हम लोग जा रहे हैं समुंदर के पास, क्योंकि अगर हम अपने गांव में आए तो समुंदर पर नहीं जाए तो फिर मज़ा ही कुछ अधूरा अधूरा रह जाता है. इसीलिए हम लोग जा रहे हैं सभी लोग मिलकर समुंदर में. तो आप देख सकते हैं पीछे और आ रहे हैं, जंगल के बीचों बीच से हम लोग जा रहे हैं समुंदर में. और देखते हैं अभी और आगे आगे गांव में. एक परेशानी क्या है कि यहाँ पर भालू आ जाता है, हर साल किसी ना किसी को मार के चले जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है यहाँ वाले को. गाइस चले चलते अपन धीरे धीरे जा रहे हैं समुंदर के. तो गाइस मेरे साथ कंपनी देने आ गए हैं हमारे साथी, देख सकते हैं आप वीडियो पर, पूरे जोश के साथ आ रहे हैं फुल. तो गाइस लगभग हम लोग आधा रास्ता जो है तय कर चुके हैं. ये है, हम देख सकते हैं आप, ज़्यादा दूर नहीं बचा है. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं समुंदर के तट पर. आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, देखिए मस्त शानदार है, बहुत ज़ोरदार है. आंध्र प्रदेश के अकपल्ली विलेज में शिव सागर बीच, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा आप, अद्भुत नज़ारा है. लोग तो बहुत दूर दूर से आए हैं, देख सकते हैं कार ऑटो, क्राउड भी बहुत ज़्यादा मेरे को नज़र आ रहा है बाइक देखने से. देख सकते हैं यहाँ पर इस बीच को मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है. देख सकते हैं क्या नज़ारा है. गाइस पहुँच गए हम लोग, देख सकते हैं आप क्या शानदार नज़ारा है, एकदम जोरदार क्या लुक है. तो अमन समुंदर के पास आ गए हैं, चिन्नू भी हमारे साथ है, वो अभी सो के उठी है इसलिए जो है अभी मुस्कुरा नहीं रही है, लेकिन अपन चलेंगे. मज़ा ले रही है समुंदर का और हम लोग जा रहे हैं अभी समुंदर के अंदर. गाइस कैसा लगा? चिन्नू हाय बोल दे, हाय बोल दे, अपने सब्सक्राइबर को हाय बोल दे. नहीं बोलेगी? बच्चे जो है बहुत मस्ती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो पर, मैं आपको वीडियो पर दिखाऊंगा सभी का. ये कंकाल मिला है, सब समुंदर के अंदर मोबाइल भी जाएगा. तो चलो चलते हैं मस्ती करने.
आज समुंदर के अंदर हमारा दोस्त बिलाई से भी एक आ गया है। आज उसका जो इंटरव्यू जो समुंदर के अंदर पहली बार जो इतिहास में रखा जाएगा, जो इससे पहले आज तक किसी ने किया नहीं है, जो समुंदर के अंदर इंटरव्यू हो रहा है। तो कैसा लग रहा है दोस्त आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग। फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया है और बीच में। अच्छा, इससे पहले और कभी समुंदर के अंदर इस तरह का ऐसा मजा लिए क्या? हाँ लिया हूँ, दो बार गोवा गया था तो उस समय, और ये थर्ड टाइम है। देख सकते हैं गाइस आप, जैसे कि समुंदर के अंदर जो पहली नजारे जो बड़े बड़े लहरों के साथ आ रहा है, और बता सकते हैं ये लहर के बारे में? हाँ आइए थोड़ा जानते हैं लहर के बारे में। और इसी तरह लहर और लहर के अंदर से मैं आ गया हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है। और लहर के बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। लहर के बारे में बताना चाहता हूँ, वो जो देख रहे हो वो फर्स्ट लहर है, ओके, उसके बाद जो आ रहा है ना वो सेकंड लहर है, और अपन को बच के किससे रहना, उसके बाद में जो आ रहा है वो थर्ड लहर है, उससे बच के रहना है। चलो आओ, वो थर्ड लहर से कैसे बचना है वो देख रहे हैं। चलो आ जाओ अंदर। तो गाइस अभी अपन अंदर जा रहे हैं, जो तीसरी लहर है बहुत ही शानदार और डरावनी चीज़ है। तो आप ऐसा भूल कर भी इस तरह के अंदर आकर मस्ती ना करें, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। ये तीसरी लहर जो है हमारे बीच आ रहे हैं, देख सकते हैं आप कितने अलग ही मजेदार आ रहा है। तो गाइस ये है, अपन तो इतना देर नहा रहे हैं, लेकिन ये पानी पीने योग्य है कि नहीं ये हमारे दोस्त से जान लेते हैं। ये पानी आप एक विधि के द्वारा पी सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में नमक की मात्रा है, लेकिन फिर भी ये आसानी से पी गए। चलो आ जाओ। तो गाइस अब आज का मस्ती यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब शाम होते जा रहा है और लहर की जो गति है वो बढ़ते जा रहा है। अब धीरे धीरे जो है हम लोग बाहर जा रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। जो आज का कार्यक्रम जो समुद्री तट का जो था वो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है बाहर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं अपना जो कपड़ा है वो पहन के फिर अब वापस घर की ओर निकलेंगे। तो गाइस बहुत मजा, बहुत एंजॉय, अलविदा एक बार, अलविदा गाइस, कल मिलेंगे। तो गाइस आप लोगों को वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह का जो मज़ा है बहुत कम ही लोग ले पाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय।